हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ किस तरह आप रेडीमेड एम्ब्रॉयडर्ड नेकलाइन बना सकते हैं। तो ये है मेरा नेकलाइन और आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी दी हुई है और नेकलाइन हमें पहले से ही जगह दी गई है जिसमें कि हमें अपना नेकलाइन बनाना है। तो ये है नेकलाइन का सेंटर पार्ट, यानी कि बिल्कुल बीच का हिस्सा। हमें अपने कपड़े को यहाँ से मोड़ना है नेकलाइन बनाने के लिए, मेजरमेंट देने के लिए। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके नेकलाइन के लिए जो भी एम्ब्रॉयडरी दी गई है उसका बिल्कुल बीच का भाग लें और वहाँ से अपने सूट के कपड़े को मोड़ें। बिल्कुल भी कपड़ा दाएं बाएं टेढ़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बीचों बीच से इसे ध्यान से मोड़ें। तो ये है मोड़ा हुआ हिस्सा और ये है मेरी एम्ब्रॉयडरी। तो जो सूट जिनमें पहले से एम्ब्रॉयडरी होती है, इनमें क्या होता है कि आपको उसी एरिया में अपना नेकलाइन बनाना होगा जितना कि यहाँ पे आपको जगह मिली हुई है। उससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते, नहीं तो आपकी सिलाई उसके ऊपर आ जाएगी। तो ये देखिए, यहाँ मुझे 6 इंच की लंबाई मिली हुई है नेकलाइन के लिए। तो अगर मैं चाहूँ कि मैं 6 इंच से लंबा नेकलाइन बनाऊँ तो भी मैं नहीं दे सकती, क्योंकि अगर मैंने वो कटिंग करी तो वो एम्ब्रॉयडरी कट जाएगी या फिर सिलाई उसके ऊपर आ जाएगी। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो ये है एम्ब्रॉयडरी और एम्ब्रॉयडरी के ऊपर की तरफ मैं 1/2 इंच का निशान लूँगी। तो ये हमारे शोल्डर जॉइंट के लिए होगा, जब हम दोनों कंधे जोड़ते हैं आगे के हिस्से और पीछे के हिस्से को, तब ये 1/2 इंच उसमें चला जाएगा। और एम्ब्रॉयडरी से लेके अब हम अपना नेकलाइन अगर नापते हैं तो ये देखिए 6 इंच का हमें नेकलाइन मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे 6 इंच का ना लेके 5.5 इंच का नेकलाइन लूँगी, क्योंकि अगर मैंने 6 इंच का नाप लिया तो मुझे सिलने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो इसलिए इस बात का हमें ध्यान रखना होता है। तो यहाँ से मैं 5.5 इंच का नेकलाइन का डेप्थ लूँगी और मैं 5.5 इंच पे निशान लगाऊँगी, जिससे कि मुझे 1/2 इंच का कपड़ा मिल जाए सिलाई के लिए। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं मैंने 5.5 इंच पे निशान लगा दिया है। अब यहाँ से मैं नेक की विड्थ लूँगी। तो हमारे नेकलाइन की विड्थ है 3 इंच और मैंने देखिए यहाँ 3 इंच पे निशान लगा दिया है। अब इस दोनों पॉइंट को हम गोलाई देते हुए मिला लेंगे और इस बात का ध्यान रखें कि हमें साइड में बराबर कपड़ा छोड़ना है। जैसे कि 1/2 इंच हमने छोड़ा है तो पूरे कपड़े में हम 1/2 इंच का निशान छोड़ेंगे इस तरह, और हम गोलाई देंगे। अब हम इस कपड़े को इस तरह खोलेंगे और दूसरी तरफ भी इसी तरह निशान देंगे, 1/2 इंच का निशान दे के साइड में इस तरह हम गोलाई देंगे। तो हम चाहें तो एक के ऊपर एक कपड़ा रख के भी कटिंग कर सकते हैं, पर उससे टेढ़ा मेढ़ा होने का डर रहता है कपड़ा। आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कपड़ा हो ही जाता है, क्योंकि हमें एम्ब्रॉयडरी मिली हुई है तो हमें चारों ओर से सेम कपड़ा छोड़ना चाहिए। तो इसके लिए हम इसे खोल के अलग से निशान देते हैं। ये देखिए, अब हमने यहाँ कटिंग भी कर ली है और सीधी तरफ से ये इस तरह लग रहा है। आप देख सकते हैं कितना साफ तरीके से बराबर 1/2 इंच का निशान आया है पूरी तरफ से। और ये ऊपर की तरफ ये 1/2 इंच का फैब्रिक भी हम काट लेंगे कंधे जोड़ने के लिए। अब ये है मेरा कपड़ा जिससे कि मैं अपना नेकलाइन पूरा करूँगी। तो इसकी विड्थ है 9 इंच। तो जो भी आपके नेकलाइन की विड्थ आपने दी है उसमें 3 इंच प्लस कर दीजिए। तो मैंने 6 इंच ली थी तो मैंने 3 प्लस किया है तो 9 हो गया। और लेंथ हम लेंगे जो भी आपके नेकलाइन का डेप्थ आपने दिया है उसमें 2 इंच प्लस कर लीजिए। तो जैसे कि मैंने 5.5 लिया था तो उसमें 2 इंच प्लस किया तो 7.5 हो गया। सेम उसी नाप का हम फ्यूजन पेपर भी ले लेंगे, इसे हम कैनवस पेपर भी कहते हैं। तो जो इसका चमकने वाला साइड है उसको फैब्रिक की तरफ मूव करते हुए हम चिपका लेंगे प्रेस करके। अब अगर आपके सूट में इस तरह कोई लाइनिंग दी गई है तो उसे पहले लाइनिंग को जोड़ लें और नेकलाइन की तरफ एक रफ़ स्टिच मार दें, और इस तरह आपका नेकलाइन जब जुड़ जाए तो इसमें जो भी एक्स्ट्रा लाइनिंग का कोई अगर कपड़ा निकल रहा है तो उसे भी आप काट दें
और नेकलाइन को एकदम बराबर कर लें, जो आपका नेकलाइन का जो मेजरमेंट है उसके साथ एकदम बराबर कर लें इस तरह। अब हम ये फैब्रिक और फ्यूजन पेपर का कपड़ा लेंगे और ये हमने जो कपड़ा वाला साइड है वो ऊपर है और उसके ऊपर हम अपने नेकलाइन का सीधा साइड रखेंगे इस तरह। आप ये ध्यान दें कि जो दोनों कंधों के बीच का जो गैप है वो उतना ही होना चाहिए जितना कि आपने अपने नेकलाइन की विड्थ दी है। तो मैंने 6 इंच दी थी तो मैंने यहाँ पे 6 इंच का बीच में गैप दिया है। अब हम इसे पिन कर लेंगे चारों ओर से इस तरह। अब हम इसको सिलाई देंगे आधा इंच का गैप देते हुए। तो आप ध्यान दें कि नीचे जो आपकी एम्ब्रॉयडरी है उस पे स्टिच ना जाए, तो थोड़ा देखते हुए ध्यान देते हुए स्टिच दें। ये देखिए ये हमारी स्टिच पूरी हो चुकी है। अब हम इसके अंदर का यह कपड़ा काट देंगे। ध्यान दें आपके नेकलाइन का कपड़ा बिल्कुल नहीं कटना चाहिए, सिर्फ ये कैनवस पेपर और फैब्रिक ही कटना चाहिए। अब हम यहाँ छोटे छोटे से कट दे देंगे जिससे कि हमारे कपड़े को मोड़ने में आसानी हो। ये सीधी तरफ से कुछ इस तरह लग रहा है। अब हम इस कपड़े को कैनवस पेपर को कुर्ती के पीछे के साइड ले जाएंगे इस तरह। इसको आप चाहें तो हल्का सा प्रेस दे सकते हैं या हाथ से ही सेट कर दें। और अब हम यहाँ टॉप स्टिच देंगे तो सीधी तरफ से अपनी नेकलाइन के ऊपर एक स्टिच दे दें। ये देखिए हमने स्टिच दे दी है और हमारा नेकलाइन इस तरह लग रहा है। पीछे से ये कुछ इस तरह लग रहा है। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसे हम शेप देंगे अपने नेकलाइन के हिसाब से। जैसा भी नेकलाइन का आपका डिज़ाइन है उस हिसाब से यहाँ पे एक एक इंच का गैप देते हुए ये निशान दे देंगे, शेप दे देंगे और अब हम इसे काट लेंगे इस तरह। अब इस कपड़े को हम फोल्ड करके तुरपाई कर देंगे। तो इस तरह इसे एक फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ ले जाएं इस तरह। आप चाहें तो इसे प्रेस भी कर सकते हैं, उससे थोड़ा काम आसान हो जाएगा। और अब हम इसमें तुरपाई देंगे। तो सुई और धागा ले लें आप और उससे आप तुरपाई दे दें एक तरफ से शुरू करते हुए। तो ये देना बहुत ही आसान है तुरपाई। तुरपाई देने से आपकी नेकलाइन में सफाई आएगी। ये देखिए इस तरह, ये देखिए हमारा नेकलाइन इस तरह पूरा हो चुका है। तुरपाई देने के बाद ये कितना साफ और सुंदर लग रहा है। आप चाहें तो इसमें मशीन स्टिच भी दे सकते हैं, पर मशीन स्टिच से वो स्टिच बाहर नज़र आएगा और हमारे नेकलाइन में बाहर एम्ब्रॉयडरी है तो इसलिए मशीन स्टिच यहाँ पे बहुत सुंदर नहीं लगेगा। तो सुई धागे से ही आप अपना नेकलाइन को तुरपाई दें। तो इस तरह ये मेरा एम्ब्रॉयडरी वाला नेकलाइन बन के तैयार है। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।